आप देख रहे हैं एफटी न्यूज़, सच और कुछ नहीं। डालते हैं आज के ताजा खबरों पर। सामूहिक कोटेदार करते प्रति यूनिट 1 किलो से आधा किलोग्राम राशन कटौती, कोटेदार सबुआ। जनपद सिद्धार्थ नगर के विकास खंड जोगिया क्षेत्र के ग्राम सबुआ में आए दिन राशन कार्ड धारकों के साथ हड़तौली का मामला कोटेदार द्वारा किया जाता रहा, जिसको लेकर ग्रामीणों ने बवाल काटा। वहीं दर्जनों लोगों ने कोटेदार के घर पर प्रति यूनिट 5 किलोग्राम राशन की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कोटेदार मिनट द्वारा प्रति यूनिट पर 1 किलोग्राम की कटौती किया जाता है। इस प्रकार कटौती से सैकड़ों किलोग्राम ग्रामीणों के साथ एक घटतौली कर कोटेदार द्वारा जेब भरा जाता है और गरीबों का निवाला छीना जाता है। वही सबुआ के कोटेदार मिनट ने कहा कि या हम सभी कोटेदार एक यूनियन के तहत मिलकर कटौती करते हैं, या हम लोगों का निर्णय है। हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हम सबको किराया निकालना होता है, हम सबको किराया नहीं मिलता है, इसलिए 1 किलोग्राम प्रति यूनिट राशन काटा जाता है। वही इस संबंध में जिलापूर्ति अधिकारी ब्रजेश मिश्रा ने बताया कि मामला संज्ञान में आ गया है। अगर कोटेदार स्वीकार कर रहा है कि हम कटौती करते हैं तो कोटेदार के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। पिताजी का नाम शंकर, रहने वाले कहाँ? क्या मामला है? मामला ये है कि सर हम साल में 1 साल 2 साल के बाद में आते हैं, यहाँ हमको गल्ला को तो बात ही छोड़ो, माटी का तेल भी नहीं मिलता। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? मैं मुंबई में। यानी वहाँ रोजी रोटी के लिए जाते हैं? हाँ। तो इस समय लॉकडाउन है, लॉकडाउन में आप आए हैं, परेशानियाँ हैं, तो राशन आपको मिलता है कि नहीं मिलता? नहीं, राशन नहीं दिए। तो कैसे अपने आप को इस तरीके से चला रहा है जब राशन नहीं मिल रहा है? वही जो वहाँ से जो लॉकडाउन का जो मिला था सर्दगढ़ में, वही यानी क्वारंटाइन के लिए मिला था, उसी से अपना काम चला रहा है। लेकिन कोटेदार द्वारा आपको कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं। इसकी शिकायत आपने किया? नहीं, किसी को नहीं। यहाँ जिससे शिकायत करो बोलता कि मिलेगा, यहाँ आते हैं, यहाँ बोलते तुम्हारा राशन कार्ड नहीं। यानी 3 मरतबा आपको फ्री मिलना था, 1 मरतबा फ्री मिला? नहीं, कुछ नहीं। तो आप क्या चाहेंगे, किससे शिकायत करना चाहेंगे? यहाँ कोई शिकायत सुनने वाला है ही नहीं हमारा। ऐसे कितने लोग हैं जो गांव में परेशान हैं? अभी यहाँ से तो मैं तो फिलहाल एक ही हूँ। और क्या नाम? रुकेश। पिताजी नाम? रामकरण। रहने वाले कहाँ? सबुआ। कोटे का क्या मामला है? कोटे का ये हमेशा 1 किलो 2 किलो काटते ही रहते हैं। क्या नाम है कोटे का? मीनल। पूरा नाम क्या है? मीनल खाली जानते हैं। मीनल और रामलाल नाम बाबा, तुम नाम हो? हाँ, मीनल रामलाल। कौन सा गांव है ये? ये सबुई है। कितने गांव का यहाँ कोटा मिलता है? दो गांव का, सबुई सबुआ दोनों। तो आपको मतलब समस्या कि आपको कोटा पूरा नहीं मिलता? नहीं मिलता। तो क्या इसकी शिकायत आपने कहीं किया? ये नहीं थे, अभी बोलते हैं तो क्या बोलते हैं ये कि हम जो वहाँ से उठा के ले गए थे उसका भाड़ा निकालते हैं हम लोग, सरकार हमको भाड़ा नहीं देती वहाँ से कोटा उठा के। यानी भाड़ा काटने के चक्कर में आपको 1 किलो कम मिलता है पर दिन? नहीं, पर दिन नहीं, एक काट पे 1 किलो काट रहे हैं। 5 यूनिट है, 1 किलो आधा किलो इसे ले लिया जाते हैं। मतलब सरकार ने कहा कि आप ऐसे ले लो? ऐसे नहीं ले रहे, सरकार ऐसे योजना चल रहा है कोटा की। सरकार की योजना? सरकार का योजना, एक कोटेदार लोग का योजना अपना बना करके मिला जुला के चलाते हैं। कोटेदारों का अपनी एक योजना जो सरकार को दान चिढ़ा रहा है? हाँ, सरकार तौर से हम लोग को बराबर नहीं मिलता की बराबर। तो आप लोगों ने नया योजना बनाया? नया के कम देंगे और उसी नहीं कम, कभी आकर के आज तक काम हुआ नहीं। तो ग्रामीण आपको क्यों करेंगे? पता नहीं क्यों कर रहा है, मुझे कहाँ जवाब दे पाए। हम सब कुछ बोल के हम क्या कर लेंगे, उनके कार्ड पर लिखा हुआ हमने। आप द्वारा इतने अच्छे कार्य किए जा रहे हैं, गरीबों तक राशन पहुँचाया जा रहा है, लेकिन ऐसे कालाबाजारी के खिलाफ आप द्वारा एक्शन क्या होगा? देखिए, अभी तक हमने ऐसे किसी को छोड़ा नहीं। अभी तक 11 मुकदमे हम पंजीकृत करा चुके हैं ऐसे कोटेदारों के खिलाफ जिन्होंने कालाबाजारी किया या घटपोली जैसी कार्रवाई की। इनके विरुद्ध भी वही कार्रवाई हमें मिलाई, किसी के साथ कोई मुहब्बत नहीं की जाएगी।